आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मिनटों में तैयार हो जाने वाली स्वादिष्ट रेसिपी, जो घर की चीजों से ही तैयार हो जाती है और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। और क्योंकि ये घर में बनी है तो हेल्दी भी है। ये रेसिपी देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। इसके लिए हम लेंगे 4 बॉईल आलू, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। जब हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक गाजर, 1 चम्मच हरी कटी हुई धनिया। आप चाहे तो गाजर स्किप भी कर सकते हैं, पर हरी धनिया से इस रेसिपी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, तो आप धनिया इसमें जरूर डालिएगा। अब हम इसमें आलू में 1 चम्मच आरारूट पाउडर डाल लेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो इस बैटर को फ्रिज में हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 1 कप हम सूजी लेंगे और इसे जार में डालकर अच्छा महीन होने तक पीस लेंगे। अगर आपके पास महीन सूजी है तो आप उसे डायरेक्ट ऐसे ही डाल सकते हैं। अब हमने जो आलू का बैटर बनाया था उसमें हम ये पिसी हुई सूजी को डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 1 चम्मच आरारूट पाउडर और ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से गूंथ लेंगे और इसका एक बढ़िया सा मुलायम डो बना लेंगे। जब डो अच्छे से तैयार हो जाए तो हम इसे 3 भागों में बांट लेंगे ताकि हम इसमें अलग अलग कलर दे सकें। इसमें नेचुरल कलर देने के लिए हम लेंगे 1 चुकंदर, उसको आधा काट करके छोटे छोटे पीसेस में हम इसे काट लेंगे, क्योंकि बाहर के जो कलर्स हम यूज़ करते हैं वो केमिकल होता है जो हमारी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसलिए हम इसमें नेचुरल तरीके से रंग लाने के लिए इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। जब हमारा पानी अच्छी तरह से उबलने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर और भी रेडिश और बहुत ही खिला खिला सा आ जाएगा। अब हमने पहले जो 3 लोई बनाई थी उसमें से 1 लोई लेकर उसमें हम ये चुकंदर कद्दूकस करके इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें एक बढ़िया सा गहरा लाल रंग आ जाए, जो रंग के साथ बढ़िया टेस्ट भी देगा। और दूसरी लोई लेकर इसमें हम डालेंगे ग्रीन करी पत्ते, जो एक हरा कलर देंगे और बढ़िया सा करी पत्ते का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। इस लोई को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब देखिए हमारे 3 कलर की लोइयां तैयार हो गई, रेड, ग्रीन एंड वाइट। अब हम चलते हैं इसे तलने के लिए। तो हम 1 लोई लेंगे और इसे बेलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और फिर इन्हें हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे। तलते समय तेल का हमें ध्यान रखना है कि तेल हमारा जब अच्छा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम हम थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हमारी ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने। तेल में अच्छी तरह से इन्हें हम अलट पलट करके तल लेंगे। जब इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल करके टिश्यू पेपर में रख लेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बेल करके उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप इसे अपने अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास डिजाइनर कटर हो तो आप इसे अच्छे डिजाइन देकर काट सकते हैं। मैंने इसे एक कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से काटा है। इसे भी मीडियम फ्लेम में हम अच्छी गोल्डन होने तक पकाएंगे। कहते हैं ना, खाना खाने से पहले देखने में जितना सुंदर होगा तो उसे खाने का मन भी करेगा। इसलिए कोई भी रेसिपी हो अगर वो देखने में सुंदर है तो खाने में भी स्वादिष्ट ही होगी। और बच्चों को तो रंग बिरंगे कलर ही पसंद आते हैं,
इसलिए अगर बच्चों के लिए कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें ढेर सारे कलरों का प्रयोग करें। और क्योंकि ये कलर हार्मफुल भी नहीं है और कलर के साथ साथ इनका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहें। अब हम रेड कलर की लोई लेके उसे भी बेल करके छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और इन्हें भी अच्छा गोल्डन होने तक पकाए लेंगे। तो लीजिए, हमारा कलरफुल स्नैक बनके तैयार है। ये देखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाइएगा और कैसे लगी वो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और टी टाइम इवनिंग समय में ये रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।